हेलो दोस्तों मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं तो आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सबको नुकसान जरूर होता होगा किसी को कम किसी को थोड़ा ज़्यादा और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो आप में से जिन भी लोगों को नुकसान होता है क्या आपने कभी एनालाइज़ किया है कि आपको लॉस क्यों हो रहा अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि आप फेक ब्रेकआउट को काफी हद तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं और यही रीजन है कि आपको लॉस उठाना पड़ता है तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं और अगर हम फेक ब्रेकआउट को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिए यूजिंग इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल के स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो हम काफ़ी हद तक अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को इनक्रीज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके लॉस से खुद को बचा सकते हैं पे हम लोग चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका देख सकते हैं एक्सिस बैंक का वन आवर का चार्ट है तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं वहां पे आप फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके उससे आप बच सकते हैं यानी ये जो तरीका ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका आप इस्तेमाल किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपको क्या फाइन करना होता है कहीं भी अगर आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें या फिर फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है आपको सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस लेवल दोनों चीज़ आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और यहाँ पे हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें तो जनरली हमें रेजिस्टेंस लेवल की जरूरत पड़ती है और जब हम ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वहाँ पर हम सपोर्ट लेवल पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिफाई करना वेस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना क्योंकि इसी को ब्रेक करके हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और कई बार इसी को ब्रेक करने के बाद हमें फेक ब्रेकआउट से सामना करना पड़ता है जो कि अल्टीमेटली हमें लॉस देता है तो हमें उससे बचना है तो सबसे पहले हमें वेसिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना होगा और यहाँ पे हमने ज़्यादा कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया एक वॉल्यूम यूज़ किया बस बाकी जो भी चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखेगा या जो भी कुछ पैटर्न बनेगा या कैंडल के स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम ये सब काम करेंगे तो देख सकते हैं प्राइस आपका नीचे से ऊपर आया यहाँ पे जाने के बाद प्राइस आपका एक रेंज पकड़ लिया यानी ये लेवल हमारा क्या बन गया एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया और यहाँ से प्राइस आपका नीचे भी आया अब दोबारा वापस से इस रेजिस्टेंस लेवल करीब आया अब क्या किया इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ अब जैसे इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है आपको मल्टीपल जगह पे यूट्यूब चैनल से न्यूज चैनल पे डिफरेंट मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला आप जल्दी से बाय कर लीजिए नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो यहां पे फोमो क्रिएट किया जाता है फिगर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट किया जाता है फिर रिटेल ट्रेडर इसको देखते हुए क्या कर लेते हैं यहीं पे वो बाई साइड की तरफ एंट्री ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे और जैसे आप एंट्री लोगे देखो प्राइस आपका थोड़ा बहुत ऊपर गया है थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस देगा कि भाई यहां पे हमने एकदम सही ट्रेड लिया और आज हमें जबरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है लेकिन होगा उसके जस्ट अपोजिट जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिखेगा और जहां भी आप स्टॉप लॉस रखोगे आपका यहां पे एस हिट होगा और अल्टीमेटली आपको नुकसान उठाना पड़ेगा अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहां पे मुझे नुकसान नुकसान क्यों हुआ क्योंकि हमने ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे आपने ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं किया ये सही बात है कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला लेकिन ये आपका रियल ब्रेकआउट नहीं है ये आपका है फेक ब्रेकआउट जो कि जनरली रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है रिटेल ट्रेडर को नुकसान करने के लिए ये चीज़ बनाया जाता है और मैक्सिमम जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पे कई बार ट्रैप होते हैं अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ता है तो इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं चलिए ये सीखने की जरूरत है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में तो सबसे पहले देखिए इसको ब्रेक करके ऊपर निकला ठीक है भाई इसको ब्रेक करके ऊपर निकला हम भी यहाँ पे समझ गए कि ब्रेकआउट दिया लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक कैंडल के भरोसे काम नहीं करेंगे और वो भी पहला कैंडल है तो हम क्या करेंगे कन्फर्मेशन के लिए वेट करेंगे और साथ ही साथ वॉल्यूम भी देखेंगे और देखिए अगर हम इस कैंडल के ऊपर बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है मतलब सही में इस कैंडल को देख के और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि हाँ ये वाकई ब्रेकआउट है लेकिन हम किसी एक पे ट्रस्ट नहीं करेंगे फिर अगला कैंडल पे फोकस करेंगे और अगले कैंडल पे अगर हम बात करें तो ये आपका काफ़ी स्मॉल कैंडल बनता हुआ दिख गया अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ऊपर में टेल है और स्मॉल है मतलब यहाँ पे जो भी बायर्स हैं वो थोड़े बहुत कमजोर जरूर दिख रहे हैं मतलब रेस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस जरूर है लेकिन बायर्स में कमजोरी दिखा है अगर रेस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस है और वहाँ पे बायर्स में कंटिन्यूटी दिख रहा तभी प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा रेस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बावजूद भी अगर बायर्स में कमजोरी आया तो वहाँ से रिवर्सल होकर प्राइस नीचे आ जाएगा

हम ये नहीं कि बाई पोजिशन नहीं लेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए जिसपे हम भरोसा कर सके आपको इस तरह का ग्रीन कैंडल या फिर छोटा में इस तीन ग्रीन कैंडल जैसा कोई ग्रीन कैंडल मिल जाए या फिर एटलीस्ट इसके जैसा भी मिल जाए तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे मैं क्लीन कर देता हूँ कोई भी उस तरह का ग्रीन कैंडल नहीं दिखा जिसमें स्ट्रेंथ है और सारे में ऊपर में हमें टेल देखने को मिल रहा मतलब बायर्स कमजोर है तो इसके बेसिस में आपने जो ट्रेडिंग पोजिशन है उसको यहाँ पे हम होल्ड पे डालेंगे हम थोड़ा बहुत पॉइंट मिस कर सकते हैं लेकिन उस पॉइंट के चक्कर में हम बड़े ट्रैप से बच सकते हैं नुकसान से बच सकते हैं उसके बाद जैसे हमने देखा है उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और रेड वॉल्यूम भी आ गया अब जैसे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ रेड वॉल्यूम आ गया मतलब यहाँ पे जो हमें बाइंग पोजिशंस लेना था उसको हम और ज्यादा होल्ड पे डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यूस आपका रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे रेड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम सेल कर देंगे हमारा क्या पोजिशन्स था ब्रेकआउट दिया बाय करने का अब यहाँ पे हम बाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे सेल के बारे में सोचना भी नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि बायर्स में कमजोरी आया और उसके बाद सेलर्स ने मार्केट में एंट्री किया और सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहा स्ट्रेंथ सेलर्स में भी नहीं है लेकिन प्राइस को नीचे ले जा रहा मतलब यहाँ पे हम ट्रेडिंग करना एवॉइड करेंगे और यही हमें बता देता है कि यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे हमें काफी हद तक फेक ब्रेकआउट के इंडिकेशंस मिल रहे हैं और उसके बाद प्राइस आपका देख सकते हैं नीचे साइड की तरफ आया तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को देखते हुए और कैंडल की के स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या कर सकते हैं हम ट्रेडिंग को एवॉइड कर सकते हैं और इस फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे भी आना चाहेंगे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम आ गए एशियन पेंट्स के फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे हमने फाइव मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम इंटरवाडेट वेलर्स यही टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और इसी को देख के ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं अब इससे नीचे नहीं जाना आप एक मिनट या तीन मिनट के कैंडल के पर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर कई तरह के फॉल्स मूव भी देखने को मिलते हैं उससे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसलिए मिनिमम आप फाइव मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं अब यहां पे भी देखिए पहला ही कैंडल ओपन हुआ एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल और ये क्लोजिंग भी कहां पे दिया हाई के करीब क्लोजिंग दिया यानी क्लोज इक्वल टू हाई जहां पे हम लोग भी बोलते हैं कि आप बाईसाइड की तरफ जा सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन के बाद अब यहां पे इस तरह का एक बिग ग्रीन कैंडल बन गया अब ये बनने के बावजूद भी हम यहाँ पे बाईसाइड की तरफ नहीं जाएंगे पहला कंडीशन हम यहीं पर ट्रेडिंग एवॉइड करेंगे क्यों एवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा SL बनेगा वो एट लिस्ट इस पॉइंट पे SL बनेगा और हम जो एंट्री लेंगे वो इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे मतलब बाइंग पॉइंट और SL में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यानी हमारा जो SL हो जाएगा वो काफी बिग SL होगा और इतने बिग SL के साथ पहला तो हम वाले ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अगर SL हिट होता है तो हमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा तो पहला कंडीशन तो ये हुआ यहां पे ट्रेड एवॉइड करने का स्ट्रैप से बचने का क्योंकि यहां पे जो हमारा रिस्क है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और जो रिवॉर्ड है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है या रिवॉर्ड ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है और रिस्क हिट हुआ तो हम मार्केट से निकल सकते हैं और फिर लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा तो पहला पॉइंट तो ये हो गया अगर हम यहाँ पे पॉइंट भी आपको बता दें तो देख सकते हैं एशियन पेंट्स का चार्ट है 3482 पे हमारा एंट्री होगा और एसएल की बात करें थर्टी फोर फोर्टी वन देख सकते हैं लंबा एसल बना है तो यहां पे हम इसको अवॉइड करेंगे उसके बाद हम कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करेंगे जैसे हम कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट किए कैंडल का साइज छोटा हो गया ऊपर में टेल बन गया और वॉल्यूम लगभग आपका हाफ हो गया तो यहां पे हम और ज्यादा इंतजार करेंगे अपने बाइंग पोजिशन को होल्ड करेंगे फिर हमने देखा कि कैंडल का साइज ठीक ठाक है हमें वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट इससे ऊपर वॉल्यूम मिलता तो हम बाई कर लेते हैं लेकिन वॉल्यूम घट गया यानी वॉल्यूम ने यहाँ पे हमें बचा लिया है ट्रैप होने से अब वॉल्यूम घट रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि लोग मार्केट से निकल रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है यह हमें काफी हद तक क्या इंडिकेशन दे रहा है शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन दे रहा है और जब भी शॉर्ट कवरिंग होता है उस टाइम पे हम बाइंग अवॉइड करते हैं बाई करना बहुत ज्यादा रिस्की है जो लोग रिस्क लेने को तैयार है वो बाई कर सकते हैं छोटे से प्रॉफिट के लिए लेकिन यहां पे जनरली बाइंग अवॉइड किया जाता है यहां पे बायर्स नहीं ले जा रहे हैं जिन लोगों ने पहले सेल किया है वो यहां पे क्या करें वो बाई हैं और बाई करने के साथ साथ मार्केट एग्जिट कर रहे हैं और इसी को हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं और इस कंडीशन में हम बाई नहीं करते हैं प्राइस ऊपर जाता है लेकिन वो आपका ट्रैप होता है और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे फिर आपका रेट वॉल्यूम आया और प्राइस आपका नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें बाई करना था या फिर बाई नहीं करना था तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है ये ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला है ये हमारे लिए क्या था फेक ब्रेकआउट था और जनरली लोग इसी को ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके सब जगह चिल्लाने लगते हैं और वो आपको मोटिवेट करते हैं यहां पर बाईसाइड की तरफ एंट्री लो जैसे आप एंट्री लोगे ट्रैप हो गए नुकसान में फंस जाओगे इसलिए किसी और की बात नहीं सुनना मेरा भी बात नहीं सुनना आप दो तीन चेक करो वॉल्यूम चेक करो कैंडल के स्ट्रेंथ को चेक करो जो भी पैटर्न है उसको चेक करो टेक्निकल एनालिसिस करो फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है तो इस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं अब हमें रियल ब्रेकआउट के बारे में कैसे आइडिया मिलेगा चलिए मैं आपको रियल ब्रेकआउट भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे हम आ गए हैं किस पे आईसीआईसी बैंक के थर्टी मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम ले रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लेरिटी के साथ समझ में आ जाए अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपको ऊपर गया यहाँ पे हर्डल है यहाँ पे भी हर्डल है मतलब ये जो लेवल है वो हमारा रेस्टरेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है अब यहाँ पे क्या हुआ प्राइस ऊपर निकला इस रेस्टरेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया अब पहला कैंडल ही ऊपर निकला और यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है तो हम इसके बेसिस पे बाइसर की तरफ नहीं जाएंगे हम क्या करेंगे और भी बायर्स के स्ट्रेंथ का वेट करेंगे यानी और भी बायर्स के आने का इंतजार करेंगे कैंडल गॉल्यूम डे डिक्रीज हुआ हम नहीं जाएंगे बायसाइड की तरफ और जो प्राइस मूव रहा इसी कैंडल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया यानी यह अब यहाँ पे हमें एक और लेवल मिल गया ये है अगर इसके ऊपर निकलता और वॉल्यूम इंक्रीज होता है

हम इस पॉइंट को भी एसएल रख सकते हैं यानी तो यहाँ पे भी आप एसएल रख सकते हैं ज़्यादा कोई बिग एसएल यहाँ पे नहीं बनेगा फिर आप यहाँ पे सबसे पहले इस टारगेट पैच के लिए जा सकते हैं जो कि काफ़ी बिग है और उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यू करके और ज़्यादा प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं तो ये होता है रियल ब्रेकआउट जहाँ पे हमें ब्रेकआउट देने के बाद फॉलो अप बायर्स एंट्री करते हुए दिखते हैं सबसे पहले ब्रेकआउट देखे बायर्स यहां पे रेस्ट करते हुए दिख गए ये आपका एकोमलेन जोन काफ़ी हद तक बन गया उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ बायर्स यहां पे एंट्री किए और ऑल द वे प्राइस को ड्रैग करके ऊपर साइड की तरफ ले गया तो सिर्फ ब्रेकआउट के भरोसे नहीं जाएंगे ब्रेकआउट के बाद भी बायर्स का इंटरेस्ट बने रहना चाहिए तभी हमें वो रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता अदरवाइज वो आपका फेक ब्रेकआउट कहलाया जाता है वहाँ पर आप ट्रैप में फंस सकते हैं इस तरह के हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम आ रहे हैं एच डी बैंक के फिफ्टीन मिनट के टाइम फ्रेम के जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक पैटर्न बना प्राइस यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लिया सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपका एक क्या फॉर्म किया देख सकते हैं सेम हाई है और प्राइस ऊपर जा रहा मतलब काफी हद तक ये आपका एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है जिसके बारे में हमने कई वीडियो में डिस्कस भी किया है अब यहां पे हमें पैटर्न देखने को मिला हमने वॉल्यूम को से यूज किया था कैंडल के स्ट्रेंथ को यूज किया और यहां पे हमने एक चार्टिंग पैटर्न को भी यूज किया है अब इस पैटर्न के बेसिस पे हमें ब्रेकआउट कब मिलेगा जब प्राइस इन सारे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और वॉल्यूम से हमें सपोर्ट मिलेगा तो क्या करेंगे ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगला कैंडल पे हम साइड की तरफ पोजिशन इनिशिएट करेंगे ये पॉइंट मेरा मेरासल के रूप में काम करेगा फिर हम टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं पहला टारगेट प्राइस ये होगा दूसरा टारगेट प्राइस आप इस लेवल को रख सकते हैं तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमें ब्रेकआउट जो मिला है वो कहाँ पर मिला देख सकते हैं ये लेवल पर दिया है और यहाँ पर वॉलूम आपका प्रीवियस जितना उससे इंक्रीज़ किया है और उसके बाद अगले कैंडल पे वॉल्यूम और ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिखा यानी वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो रहा है स्लाइटली और उसके साथ साथ ब्रेकआउट दिया मतलब ये हमारे लिए परफेक्ट इंट्री है साइड की तरफ और फिर हम यहाँ पे अपना एसर लगा के इस अपसाइड मूव से प्रॉफिट बना सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो फॉल्स ब्रेकआउट आता है उसका भी इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस डिटेल से सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी कोर्स बना रखा आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटेड कम्युनिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से या नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप कोर्स को ज़रूर देखिए अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से एडवांस लेवल तक कोर्स मिल जाएगा आपको फ्यूचर ऑप्शन का कोर्स मिल जाएगा फ्रॉम बेसिक टू तो एडवांस जिसमें आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप उसके बेसिस पे आप अपना स्टॉक मार्केट में करियर भी बना सकते हैं तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज़रूर देखिए अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं जो इस वीडियो हमने डिस्कस किया कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके खुद को लॉस से बचा सकते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपके पास पहुँच जाए और उसके लिए आप बेलाइकन जरूर दबा दीजिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद